माननीय नवीन पटनायक जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनकी पार्टी जरूर एनडीए में नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में वो एनडीए में आते हैं तो उनका तो स्वागत ही है, लेकिन अगर वो एनडीए में नहीं भी है तो भी लोकसभा में राज्यसभा में जब बिल पास होते हैं तब उनके पार्टी का सपोर्ट हमको मिलता है, और ओरिजिनली वो एनडीए के मेंबर ही रहे हैं, मतलब ओरिजिनल जब वो राजनीति में आए तब वो एनडीए में ही थे, अभी अपने बलबूते पर वो सत्ता में आ रहे अच्छी बात है, लेकिन एनडीए में आएंगे तो और भी ज्यादा फायदा हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी उनको और भी ज्यादा बजट राज्य के लिए दे सकते हैं और भी इसके विकास के लिए मदद हो सकती है। माननीय नवीन पटनायक जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी जरूर एनडीए में नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में वो एनडीए में आते हैं तो उनका तो स्वागत ही है, लेकिन अगर वो एनडीए में नहीं भी है तो भी लोकसभा में राज्यसभा में जब बिल पास होते हैं तब उनके पार्टी का सपोर्ट हमको मिलता है, और ओरिजिनली वो एनडीए के मेंबर ही रहे हैं, मतलब ओरिजिनल जब वो राजनीति में आए तब वो एनडीए में ही थे, अभी अपने बलबूते पर वो सत्ता में आ रहे अच्छी बात है, लेकिन एनडीए में आएंगे तो और भी ज्यादा फायदा हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी उनको और भी ज्यादा बजट राज्य के लिए दे सकते हैं और भी इसके विकास के लिए मदद हो सकती है।